गाइस आज लेके आ गया हमारी आज की टेक और ऑटो न्यूज़ अपडेट्स को लेके। दोस्तों काफी अच्छे अपडेट रोज की तरह लेके आ गया हूं। तो दोस्तों शुरू करते हैं, सबसे पहले अपडेट का क्या रहा है वीवो की तरफ से। दोस्तों वीवो की T1X ये स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च होने वाला है 20 जुलाई को। फाइनली सामने डेट निकल के आ गई है, काफी देर से हम बात कर रहे थे, मई के अंदर चाइना वगैरह में लॉन्च हुआ था, उसके बाद अब जाके आ रहा है जुलाई में। देखते हैं दोस्तों क्या निकल गया था। वैसे डायमेंसिटी 900 के ऊपर होने वाला है तो फोन तो अच्छा होगा। अब दोस्तों देखते हैं प्राइसिंग क्या होती है, क्योंकि सारा कुछ डिपेंड करता है प्राइसिंग के ऊपर। जितनी अच्छी प्राइसिंग होगी उसके हिसाब से ही कस्टमर जो है वो जाते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। तो देखते हैं क्या निकल के आता है। और दोस्तों ये भी अगला अपडेट निकल के आ रहा है पबजी की तरफ से, पबजी बैटल ग्राउंड। दोस्तों मैं पीसी वाले की बात कर रहा हूं, मोबाइल वाले तो हमारे इंडिया में नहीं है। तो बेसिकली दोस्तों इसके अंदर एक नया मैप आ रहा है डेस्टन, जो भी लोग पीसी के ऊपर पबजी बैटल ग्राउंड खेलते हैं उनके लिए नया मैप आ रहा है। इसका ट्रेलर भी आउट हो चुका है, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो, काफी अच्छा लगा मुझे वैसे। और इसके अंदर काफी नई चीजें आपको मिलने वाली हैं। उन्होंने इस ट्रेलर में लिखा हुआ है कि ये एक ऐसा मैप है जिसमें कोई भी स्क्वाड नहीं है, क्योंकि ये पहली बार आ रहा है। तो बेसिकली आज जैसे ही आएगा आप लोगों के पास ये 18.2 का अपडेट होने वाला है, तो काफी अच्छा रहेगा। देखते हैं क्या निकल के आता है, कितना अच्छा होगा, लोग जो खेलते हैं वही रिव्यू दे सकते हैं। और दोस्तों ये काफी अच्छा अपडेट निकल के आ रहा है सैमसंग की तरफ से, और सैमसंग की फाइनली M13 और M13 5G ये दोनों फोन सैमसंग ने आज लॉन्च कर दिए हैं। दोस्तों एक 4G वेरिएंट है, एक 5G वाला वेरिएंट है। पहले सबसे बात करते हैं हम 4G वाले वेरिएंट की। दोस्तों इसके अंदर आपको 6.60 इंच की डिस्प्ले मिल जाती है, LCD डिस्प्ले है, LCD IPS, और इसके साथ में आपको दोस्तों मिल जाता है Exynos 850। काफी टाइम बाद मैं Exynos बात कर रहा हूं, मतलब सैमसंग के जो भी फोन आ रहे हैं उनमें डायमेंसिटी वगैरह देखने को मिल रहा था, तो इसमें आपको Exynos मिल रहा है 4G वाले वेरिएंट में। और साथ में आपको मिलने वाली है 4GB 64GB का पहला वेरिएंट। इसके अंदर आपको दोस्तों प्राइस पड़ने वाला है 11999 का। साथ में आपको कैमरा सेटअप मिलेगा, ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप रियर साइड के लिए, 50 MP 5 MP और 2 MP का। इसी के साथ में फ्रंट में आपको मिलेगा 8 MP का। यहां पर आपको दोस्तों 6000 mAh की बैटरी मिल जाती है, तो ओवरऑल पैकेज अच्छा है। यहां पर अगर बात करूं यहां पर दोस्तों 5G वाले वेरिएंट की, तो 5G में आपको दोस्तों डायमेंसिटी 700 देखने को मिलता है, MediaTek डायमेंसिटी 700। इसी के साथ में 6.50 इंच की डिस्प्ले आ जाती है, LCD डिस्प्ले है, लेकिन 90Hz का रिफ्रेश रेट भी रखा गया है, तो ये भी काफी अच्छी चीज है। इसके अंदर आपको डुअल कैमरा सेटअप मिलता है रियर साइड के लिए, 50 MP और एक 2 MP का, और साथ में आपको फ्रंट में मिलता है 5 MP का। दोस्तों कैमरा सेटअप जो है वो थोड़ा कम रखा गया है इसके अंदर 5G वाले वेरिएंट में। इसी के साथ में यहां पर आपको 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है, 15W का फास्ट चार्जर मिल जाता है, और साथ में दोस्तों ये फोन आता है 13999 की प्राइसिंग के साथ में। तो दोस्तों ये दोनों फोन आ चुके हैं, आज लॉन्च हो चुके हैं इंडिया में। दोस्तों मैं कहूंगा 4G वाला वेरिएंट जो है वो थोड़ा ज्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि भले ही 4G है लेकिन उसमें फीचर ज्यादा है। यहां पर अगर बात करूं 5G वाले की, तो इसमें आपको 11 बैंड्स मिल जाएंगे 5G के। अब दोस्तों वो तो देखने को मिलेगा जैसे ही 5G लॉन्च होगा, कौन से बैंड्स हमारे काम के हैं और कौन से नहीं है। वैसे दोस्तों यहां पे आप बताऊं ये दोनों के दोनों फोन जाने वाले हैं सेल पे 23rd of July को। तो जो लोग ट्राई करना चाहते कर पाएंगे 23rd of July को Amazon के ऊपर, या फिर Samsung की अपनी खुद की साइट के ऊपर, या फिर कुछ सिलेक्टेड रिटेल स्टोर्स भी होंगे जो ऑफलाइन भी आपको मिल पाएगा। काफी अच्छी बात है, ऑफलाइन भी अवेलेबल है, ऑनलाइन भी। तो जो भी लोग ट्राई करना चाहते कर पाएंगे जल्दी ही। और दोस्तों इसी के साथ में अपडेट निकल के आ रहा है SBI की तरफ से। बेसिकली दोस्तों बहुत से लोगों के अकाउंट जो है वो सस्पेंड कर दिए गए हैं, लॉक हो गए हैं, या फिर लोगों को ऐसा मैसेज वगैरह आ रहा है कि उनके अकाउंट जो है वो क्लोज हो चुके हैं, बंद हो गए हैं। दोस्तों बेसिकली ऐसा इसलिए हो रहा है कि KYC वगैरह नहीं हुई उन लोगों की। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो आप लोग जाइए नियरेस्ट ब्रांच पे, विजिट कीजिए, उनसे बात कीजिए, और अपनी KYC के जो भी डॉक्यूमेंट्स वो लोग मांग रहे हैं उनको डिपॉजिट करवाइए, ताकि आपका अकाउंट नॉर्मल चल पाए, पैसे आपके रहेंगे, सारा कुछ रहेगा। सिर्फ आपको ऐसा मतलब मैसेज वगैरह आ रहे होंगे कि आपका अकाउंट सस्पेंड हो गया या बंद हो गया जो भी है, तो ऐसा बेसिकली रियलिटी में बंद नहीं हुआ है, वो आपकी KYC के कारण जो है वो ऐसा हो रहा है जो आपने नहीं करवाई अभी तक। तो बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, आप लोग अगर हो रहा है आपके साथ तो जाइए और KYC डिपॉजिट कीजिए। वैसे दोस्तों यहाँ पे अगला अपडेट निकल के आ रहा है एंड्रॉयड और iOS दोनों के लिए। यहां पर दोस्तों कुछ नए इमोजेस जो है वो लॉन्च किए गए हैं दोनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, तो आप लोगों को जल्दी मिल जाएंगे अपडेट वगैरह के थ्रू। आप लोग यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, मैं यहाँ पे पिक्चर लगा रहा हूं। तो दोस्तों यहां पे अगला अपडेट बताते निकल के आ रहा है OnePlus की तरफ से, OnePlus का 11 Pro। दोस्तों ये फोन होगा OnePlus की तरफ से जिसमें 8 Gen 2 आपको देखने को मिलेगा। ये दिसंबर के अराउंड आने वाला है, अगर नवंबर में 8 Gen 2 लॉन्च हुआ और अगर दिसंबर में लॉन्च होगा तो आपको जनवरी में भी देखने को मिल सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी सामने निकल के आई है। बाकी देखते हैं क्या निकल के आता है। वैसे दोस्तों Xiaomi की तरफ से कंफर्म हो चुका है, OnePlus की तरफ से कंफर्म हो चुका है, देखते हैं और कौन होता है जो अगला ये कंफर्म करता है 8 Gen 2 के ऊपर अपना फोन।
वैसे दोस्तों इसी के साथ में बात करते हैं आईफोन्स की, आईफोन 15 सीरीज की बात करते हैं दोस्तों। 14 अभी आई नहीं है, 15 की बात शुरू हो गई। तो दोस्तों यहां पर आप बता दूं 15 मैक्स जो होने वाला है, कहा जा रहा है इसमें आपको एक पेरिस्कोप लेंस देखने को मिलेगा। यानी कि दोस्तों हो सकता है कि आईफोन की जो 15 सीरीज होगी इसमें जो मैक्स वाला मॉडल होगा उसमें डुअल नहीं बल्कि ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप आपको देखने को मिल सकता है। दोस्तों देखते हैं क्या निकल के आता है। वैसे आपको क्या लगता है 14 सीरीज में क्या क्या चेंजेस होंगे? मेजर चेंज तो वही है कि नॉच वगैरह जा रही है प्रो और प्रो मैक्स वाले मॉडल में, बाकी देखते हैं। वैसे दोस्तों क्या आपने आज ट्विटर यूज किया है? नहीं यूज किया तो भी बताइएगा, और अगर आपने किया तो भी बताइएगा। क्या आपको आपका जो ट्विटर है वो नहीं चल पा रहा था ढंग से? तो बेसिकली दोस्तों बहुत सारे यूजर्स ने इंडिया में भी ऐसा रिपोर्ट किया कुछ 5:30 PM के बाद, मतलब शाम के 5:30 बजे के बाद में, कि ट्विटर जो है उसकी आउटेज चल रही है, सर्विस नहीं ढंग से आ रही है। तो बेसिकली दोस्तों उनके सर्वर वगैरह डाउन थे, कुछ ना कुछ आउटेज वगैरह चल रही थी, ट्विटर जो था वो नहीं ढंग से चल पा रहा है। अभी दोस्तों मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि मैंने अभी भी चेक नहीं किया है रिकवरी हुई या नहीं हुई, पर लगता है शायद अब तक हो गई होगी, काफी टाइम हो गया। दोस्तों बताइए जरूर अगर आपने ट्विटर की ऐसी आउटेज वगैरह देखी है आज। हाँ दोस्तों अब बात होती है ऑटो न्यूज की, और ऑटो न्यूज में दोस्तों पहला अपडेट निकल के आ रहा है होंडा की तरफ से। दोस्तों कहा जा रहा है होंडा की CVR दोस्तों इसका फेसलिफ्ट होगा, यानी कि इसकी नई जनरेशन आने वाली है, 6th जनरेशन वाली आपको जल्दी मिलेगी देखने को। दोस्तों इसकी अनवील हुई है आज और सारी पिक्चर सामने निकल के आ गई, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मैं लगा रहा हूं। दोस्तों दिखने में काफी अच्छी लग रही है, कहा जा रहा है मैकेनिकली चेंजेस हो सकते हैं। वैसे आप लुक भी देख सकते हो इसकी चेंज हो रही है, देखते हैं दोस्तों क्या निकल के आता है। एग्जैक्ट डिटेल जैसे ही निकल के आएंगे आपको जरूर बताऊंगा। वैसे दोस्तों टू व्हीलर में BMW की तरफ से अपडेट निकल के आ रहा है, BMW की S1000R। दोस्तों ये बाइक जो है इसमें बहुत सारे नई टेक की चीजें, नए फीचर्स को ऐड किया गया है। दोस्तों इसका मतलब यह है कि इसका प्राइस भी थोड़ा सा इंक्रीज हो सकता है। दोस्तों अभी मेरे पास प्राइस जो है ज्यादा इंक्रीज नहीं लिखा हुआ है, उतना ही लिखा है लगभग, लेकिन नया प्राइस आएगा अभी आपको पता चल जाएगा। वैसे दोस्तों नए फीचर आ रहे तो काफी अच्छी बात है, लेकिन इसी के साथ में BMW की तरफ से अगला अपडेट निकल के आ रहा है, BMW की G310RR। मैंने बताया था ये काफी जबरदस्त बाइक होने वाली है, ये दोस्तों 15 जुलाई को लॉन्च होने वाली है, लेकिन इसकी सारी इमेजेस हमारे पास सामने निकल के आ गई हैं। दोस्तों आप लोग देख सकते हो निकल के आ गई है, काफी अच्छी लग रही है दिखने में, और दोस्तों इसका जो फ्रंट लुक है वो दिखने में जैसे R15 का होता था कुछ वैसा ही है, आप लोग देख सकते हो। तो दोस्तों आज के टेक और ऑटो दोनों अपडेट यहीं पे करते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ।